नमस्कार दोस्तों, इंडिया फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगा विकल्प की कंपनी की तरफ से जो साइथ है उसके बारे में रहेगा। साइथ अगर आप खरीदेंगे विकल्प की तो आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, देन उसका कॉस्ट क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज रहेगा। अगर आप विकल्प की साइथ लेना चाहते तो कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं उसको और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाएगा, क्योंकि विकल्प का जो साइथ है ना, आप बहुत जगह पे देखोगे कि जो नॉर्मल जो ग्रास रहता है वहां पे अच्छा कटिंग होता है, बट जहां पे मतलब बहुत ज्यादा ग्रास रहता है या जैसे बूस्ट जैसा रहता है वो एरिया पे काम करता है कि नहीं, आज आपको मैं प्रैक्टिकली डेमो दिखा के दिखाएगा। तो आपका जो भी डाउट है ये कहां कहां पे यूज हो सकता है, आपके लिए ये फिट है कि नहीं है, आज पूरा आपका जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पे आप बिना स्किप करके शुरू से अंत तक देखिए। चलिए मेरा साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है विकल्प की कंपनी की तरफ से आया हुआ साइथ है। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, जिसकी वजह से मैंने इसको ऑलरेडी असेंबली करके रखा है। तो ये अलग से आता है, इसके ऊपर ये जो रेड कलर का आप देख सकते हो ये उसके ऊपर लगा रहता है ताकि डैमेज ना हो। तो मैंने पहले क्या किया, उसको असेंबली किया। असेंबली करने के बाद मैंने घास काटने के लिए गया, फिर मेरे को महसूस हुआ कि मतलब ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि ये जो कॉस्ट था इसका 7500 है, 7500 है। और मैंने विकल्प की जो साइट है उसकी जो ऑनलाइन है वहाँ से मैंने खरीदा। इसमें आपको ये आपका ग्रीन कलर का एक हैंडल आता है, उसके साथ लगाना पड़ता है। ये दोनों पीस अलग अलग आता है, और ये जो पीस है आप देख सकते हो, ये वाला पीस अलग से आता है, और इसमें पीछे साइड में दो एलन नॉट रहता है जिसको आप टाइट करेंगे इस ब्लेड को। तो ये ब्लेड को पहले मैंने असेंबली किया, असेंबली करके मैंने कोशिश किया घास काटने के लिए, बट मेरे को तकलीफ क्या हुआ कि ये जिस तरीके से काटना चाहिए उस तरीके से नहीं कटा। तो फिर मैंने क्या किया, जो विकल्प का जो कस्टमर केयर है या ट्रेनर का जो नंबर मेरे को मिला था उनको मैंने कॉल किया। फिर ट्रेनर ने मेरे को क्या बोला कि आपने जो ब्लेड लिया उसको धार दिया क्या, धार चढ़ाया क्या, पिनिंग किया क्या, उन्होंने मेरे को पूछा। तो मैं बोला कि पिनिंग क्या होता है मेरे को पता ही नहीं। तो उन्होंने मेरे को पिनिंग करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, पहले बता देता हूँ। सबसे पहले साइथ के साथ क्या क्या जो उसके साथ स्पेयर आया है वो बता देता हूँ। ये ब्लेड आता है, ये दो पीस में हैंडल आता है, ये दोनों पीस को यहाँ से हम लोग जोड़ते। तो मैंने पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये दोनों को जोड़ सकते हो, और ये यहाँ पे होना चाहिए, आपका जो कमर है कमर के सीधा होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए, और आप इस तरीके से उसको ऐसा रह के आपको ऐसा चलाने का ये तरीका रहता है। तो फिर इसके साथ क्या आया था कि एक वाइट स्टोन आया था और एक ब्लैक स्टोन आया था इसको धार चढ़ाने के लिए। ये ऐसा दो स्पेनर आता है जो ये सब टाइट करने के लिए, ये सबको टाइट करने के लिए ये दो स्पेनर आता है, और ये आता है हमारा जो स्टोन को आपको रख के आपको जहाँ पे काम करेंगे, नॉर्मली मैक्सिमम व्हाइट पत्थर को रखना चाहिए, ऐसा रख के आपको ऐसे पॉकेट में ही आपको रख सकते हैं, ऐसा रख के आपको पानी भर के ऐसा रखने का, जब भी ख़त्म होगा धार आपको लगता है कि कम है, कम हो गया, तो वो टाइम पे थोड़ा शार्प करके वापस आप काम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के रहेगा। और ये आता है आपका हमार, ये हमार किसके लिए आता है कि आपका जो मैंने ऑलरेडी ये असेंबली करके रखा है क्योंकि मेरे को चाहिए करके, तो ये एक सिंगल पीस में आता है, उसको ये होल बना के मैंने उसमें फिट कर दिया ताकि ज़मीन पे ऐसा फिट करके मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी धार कमी होगा तो वो टाइम पे इसको ऐसा रख के धार चढ़ाने के लिए। उन्होंने दो चीज़ दिया है, आप देख सकते हैं, एक वाइट है कलर का और एक क्रोम कलर का। क्रोम मीन्स एक हल्का सा मतलब गोल्डन कलर जैसा दिखेगा आपको, उस टाइप का रहेगा। तो उसको रख के ये जो धार कभी कभी कम हो जाएगा तो इसको हथौड़ी में ऐसा हल्का हल्का ठोक ठोक के उसको पिनिंग करते, उसको क्या बोलते हैं, धार चढ़ाते हैं उसको, मतलब थोड़ा धार कम हो गया तो वो टाइम पे आप उसको पतला करके फिर आप क्या करेंगे, आपके पास जो एक ब्लैक कलर का स्टोन है तो
तो उसको शार्प चढ़ाएंगे। उसके बाद और एक वाइट कलर का रहेगा, ये वाइट कलर का है। पहले ब्लैक कलर में आपको धार चढ़ाना है इसके ऊपर, फिर आपको इसके ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक कलर है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आराम आराम से। पहले ब्लैक में और उसके बाद व्हाइट जो है आपको, ऐसा करके आप धार चढ़ा सकते हैं। बट जब भी आपको लगा कि नहीं घास नहीं कट रहा है, वो टाइम पे आपको रोक देना पड़ेगा, तो रोक के धार चढ़ाने का वापस काम करना है। तो अभी शायद आपकी, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये विकल्प साइज के साथ क्या क्या आता है। एक तो ब्लेड आता है, देन ये टू पीस आता है, ये हैंडल रहता है, और उसके साथ दो पत्थर आता है, एक ब्लैक कलर का और एक व्हाइट कलर का। और ये पत्थर को रखने के लिए एक कंटेनर आता है छोटा सा। पिनिंग धार चढ़ाने के लिए एक हथौड़ी देता है, और ये ब्लेड को धार देने के लिए दो आता है, एक गोल्डन कलर का आता है और एक व्हाइट कलर का आता है। और ये ब्लेड के ऊपर ये रेड कलर का एक कवर आता है, ताकि किसको डैमेज ना हो और धार को भी डैमेज ना हो, और ह्यूमन सेफ्टी के लिए। नॉर्मली अगर नहीं रहेगा, डायरेक्ट अगर किसको लग गया तो कट भी सकता है, तो इसके लिए इतना चीज हमारा विकल्प साइज के साथ आता है। अगर धान और गेहूं ये सब काटना है तो उसके लिए ये आता है, तो इसके ऊपर आपको असेंबली करना चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बट अभी मेरा जो मेन इंटेंशन है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा पूरा सॉफ्ट वाला घास रहता है, उसको देख के लोग खरीद लेते हैं, बाद में जब ही उसका जो ज़्यादा घास जहाँ पे रहता है या स्ट्रॉन्ग ग्रास रहता है वहाँ पे वो काम नहीं करता है, तो वो टाइम पे दिक्कत होता है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आप आइए मेरा साथ, ये मेरा साथ आइए। अब देखिए ये किस तरीके का घास है, देखिए किस तरीके का घास है। अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रास है। ये नॉर्मली मैंने ट्रैक्टर और जो पावर टिलर है, पावर वीडर है, बहुत कोशिश किया, इसमें मैं साफ नहीं कर पाया। और मैं जो खरपतवार नाशी मेडिसिन है उसको यूज कर सकता हूँ, उसको यूज करके उसको मैंने हटा सकता हूँ, बट मैं ऑर्गेनिक वे पे खेती करता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसका खिलाफ हूँ और कोई खरपतवार नाशी मेडिसिन में यूज नहीं कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आपके सामने। आप इससे जज कर सकते हैं कि ये इसका जो काम है कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। चलो जी बंद कर।
आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रास है ये पूरा मतलब क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा है और एक दूसरे के साथ वो पकड़ के रखा है, जिसकी वजह से ये इजीली नहीं निकल रहा है। बट जहाँ पे जो आसान ग्रास है, सिंगल सिंगल ग्रास है, वहाँ पे मैंने कोशिश किया, बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा है। बट ये जो केस है कुछ अलग ही है। तो अगर आप सोच रहे कि इस तरीके की ग्रास पे ये काम करेगा, काम तो करेगा बट उसका जो इफिशियंसी या जितना जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं कर पा रहा है, ये काट रहा है, विकल्प का साइज काम कर रहा है, बट एक दूसरे को इतना रगड़ के ये जो बूस वगैरह है आप देख सकते हो ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यही एक सिंगल रीजन है। इसका मतलब आपके मन पे जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए मैंने कोशिश किया था ये बूस में। अभी मैं आपको एक नॉर्मल ग्रास जो रहता है उसके ऊपर दिखाता हूँ। आ जाइए, अभी आपको मैंने ऐसा लेंट पे दिखाने वाला हूँ कि आपका जो भी जो डाउट्स है वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये भी खरपतवार है आप देख सकते हैं, बट ये सिंगल सिंगल है, एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा है, जगड़ के नहीं रखा है, सिंगल सिंगल ग्रास है और सॉफ्ट ग्रास है। तो यहाँ पे साइज का परफॉर्मेंस कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ शायद साइथ के बारे में जो विकल्प का जो साइथ है उसको आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन सी ग्रास को वो काट सकता है और कौन सी ग्रास आपको काटने के लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, शायद ये वीडियो पे आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक्चुअली पहली बार इसको यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कि मतलब मेरे को और हाथ थोड़ा उसमें जम जाएगा तो परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। बट जो भी हो, जो स्ट्रांग ग्रास रहता है, आप अगर सोचते हैं कि जो पूरा भरा हुआ ग्रास रहेगा और उसको लेके मैं काट सकता हूँ, वो इतना इजीली नहीं करता है और मेहनत तो उसमें लगता है। आपको लग रहा होगा कि इसमें मेहनत नहीं है, मेहनत लगता है, बट जहाँ तक गेहूँ, धान, ज्वार या दूसरा जो खरीफ फसल है उसको काटने की है, उसमें जहाँ तक मैं विकल्प जो उनका जो टीम है उनकी तरफ से सुना था, उसका परफॉर्मेंस ये सब चीज़ के लिए अच्छा है। तो वो मैंने टेस्टिंग नहीं किया, अभी तक उसका ट्रायल नहीं लिया है। तो घास के ऊपर था ये ट्रायल, और अगर आपको धान के ऊपर, गेहूं के ऊपर या दूसरा कोई फसल के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मैं और एक वीडियो बनाएगा आपकी तक, मैं जो भी सही जानकारी है उसका पहुँचाने के लिए मैं कोशिश करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो पर आपको बहुत अच्छा और सही जानकारी मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले। या आपके मन पे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।